स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। बच्चों आपका क्वेश्चन बैंक की सीरीज हम लोगों ने हाथ में ली थी ऑलरेडी, आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां चैप्टर है, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और एकलव्य बैच भी हम लोग ले रहे हैं एमएचटी सीईटी की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं दिनेश सर हूँ, सोहिन सर है उसमें, एमबी बायोलॉजी मतलब बालाजी मुदल सर भी है उसमें। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के, ओनली एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं हम लोग, इसलिए पहले इसको खत्म करेंगे। पहला सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम फ्रॉम एनवायरमेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट से हम लोग हीट ले रहे सिस्टम में, मतलब एनवायरमेंट से सिस्टम में हीट ले रहे, तो सिस्टम हीट लेगा मतलब गेन कर रहा है। मतलब भैया यहां पे लिख सकता हूं मैं आपको, ऐसे देख सकता हूं कि यहां पे सिस्टम गेन द एनर्जी, एनर्जी ले रहा है कहां से, एनवायरमेंट से। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर था सिस्टम गेन एनर्जी कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्री अलाउड टू एक्सचेंज द एनर्जी एंड मैटर। देखो इसमें आपको ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड ऐसे तीन सिस्टम्स है। यहां पे आपको पता होना चाहिए भैया कि जहां पे आपको यहां पे मैटर एंड हीट दोनों बाहर जाते हैं उसको ओपन सिस्टम कहते हैं, जहां पे ओनली हीट बाहर जाती है भैया उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और जहां पे ना तो हीट जाती है ना मैटर जाता है, यहां पे ना हीट जाती है ना मैटर जाता है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, चेकआउट करना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट? बात तो समझ में आ रही है आपको? ओके, तो इसलिए यहां पे एक तो हीट भी बाहर जा रही है और मैटर भी बाहर जा रहा है, दोनों जा रहे, तो इस सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। गॉट इट? ओपन सिस्टम। गॉट इट? आगे बढ़ रहा भैया, टू सिस्टम सेम टेम्परेचर, मतलब जैसे कि बॉडी ए यहां पे भी है, ठीक है, ये दोनों ही थर्मली इक्विलिब्रियम, मतलब इसका टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है तो इसका भी 300 केल्विन है, तो हम लोग इसको इक्विलिब्रियम, थर्मली इक्विलिब्रियम कहते हैं। बड़ी अगर बढ़ते भैया, फॉर वर्क डन रिवर्सिबल द प्रोसेस शुड बी द एडवांटेज। ये आपका डिलीटेड पोर्शन में से सवाल है तो भी दे रहा हूं आप लोगों को। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मतलब इसका जो ग्राफ है भैया जिस पास से जा रहे उसी पास से वापस आना, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता भैया, हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना अंदर जाना ना बाहर जाना। व्हाट इट? मैंने आंसर बता दिया लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। व्हाट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर पे सवाल है हमारे पास, अ गैस इन क्लोज कंटेनर हीट विद 10 जूले ऑफ सिस्टम कॉजिंग द लीक, दोबारा होगा ऑफ द लीड कंटेनर टू राइज द 2 मीटर इतना फोर्स। चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, यहां पे आप लोग ध्यान देना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा नहीं है। वर्क डन है भैया, क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, हो गया 6 जूल। इतना मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कितनी चेंज हो रही है, मेरे पास कितनी है भैया हीट एनर्जी 10 है, 10 में से कितनी जा रही मेरी 6 जूल, तो बाकी कितनी होगी 4 जूल। समझ में आ रहा है? मतलब अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू यहां पे इंटरनल एनर्जी यू लिखो और वर्क डन होता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे बताया जा रहा है गैस इज क्लोज कंटेनर हीटेड विद हीट दी गई है क्यू नाम की, इतनी गजू एनर्जी कॉजिंग द लीड है ना कंटेनर राइज, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब वर्क हो रहा है यहां पर, तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द चेंजिंग सिस्टम, एनर्जी कितनी होगी, तो 4 जूल होगी, ये आपको बताना चाहिए था, यहां पे लिखा 4 जूल। आपको आंसर तो दिए भैया, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे क्या करते हैं एज इट इज क्वेश्चन को रट्टा रट्टा नहीं मार सकते हम लोग यहां पर, समझेगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, यहां पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील विद द ट्रांसफर ऑफ, क्या होता है भैया हीट ट्रांसफर होती है यहां पर, हीट ट्रांसफर के उसी के ऊपर तो लॉ है हमारा ये। व्हाट नेक्स्ट देखो, हीटिंग ऑफ गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेनर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस। यहां पे आपके क्वेश्चन बैंक में आइसो बारिक दिया वाला है, आइसो बारिक नहीं है,
ये तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहा, तो बार मतलब बैरोमीटर, आइसोबारिक, बार मतलब बैरोमीटर, ये किसका यूनिट है भैया, किसका डिवाइस है ये मेजर करने का, प्रेशर का, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका आंसर आइसोकोरिक होता है जहां पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो। इसका ग्राफ भी ऐसा देखो, यहां पे जो है वॉल्यूम प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, फाइनल इनिशियल नहीं होता है, समझे, ये प्रेशर आपका, ये प्रेशर चेंज होता है, मतलब आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, समझे ना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, बात समझ में आ रही है। आइसोबारिक, बारिक मतलब क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक कहते हैं इसको। तो ये आप लोगों को साइक्लिक प्रोसेस, एक्सपांशन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये क्या आपकी एमसीक्यू, अभी वेरी शॉर्ट आंसर भी आप लोगों को अभी के अभी लेते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे, बहुत इजी इजी है, ज्यादा डरने की चीज नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सेम टेम्परेचर हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब वो थर्मली इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ही है। थर्मली इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम टेम्परेचर होना, सिंपल बात है, ओके। नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको थर्मोमीट्री कहते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, द साइंस ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, नाउ देन इट इज कॉल्ड द थर्मोमीट्री, सिंपल क्वेश्चन है, थर्मोमीट्री किसको कहते हैं, डिफाइन सीधी सीधी, बस आपको डिफाइन का आंसर लिखना है, ओके। स्टेट द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ किसको कहते हैं, सिंपल बात है, इफ द टू सिस्टम्स आर ही थर्मली इक्विलिब्रियम विद द थर्ड ऑफ सिस्टम, देन आर ऑल्सो थर्मली इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, मतलब भैया जैसे कि ये ए है, ठीक है, यहां पे हमारे पास सी है, या इसको कहेंगे बी, ये सी है, ठीक है, अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये इसके साथ है भैया, तो ये और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब सेम टेम्परेचर है सबका, तो इसी को जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि भैया क्या हुआ, पहला फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, ठीक है, बाद में इसको आ गया, तो ये दो लॉ के पहले का लॉ है, लेकिन एक्चुअल में पहले होना चाहिए था, इसलिए इसका नाम जीरो लॉ रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएट विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज, मतलब भैया एनर्जी जो है रैंडम डिसऑर्डर मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, है ना, देखो एनर्जी एसोसिएट विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, मतलब जैसे कि कोई हम लोगों ने जार ले लिया, ठीक है, या इसका ऐसे एक और इसको हम लोगों ने हीट कर रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर ऐसे रैंडम मोशन करते रहेंगे, क्योंकि भैया टेम्परेचर दिया, तो जो गर्म पानी होता है ना, वो क्या होता है पता है ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, पता है ना आप लोगों को, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम डिसऑर्डर मोशन करते हैं, जूम 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 ऐसे मोशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस गैस मॉलिक्यूल, ये सॉरी वाटर मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, तो इसी को इंटरनल एनर्जी के कारण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म द यूनिट विच में एबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते उसको बता रहे, देखो अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कन्फर्म द यूनिट विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी सराउंडिंग, है ना, इसी को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है कन्फर्म विच दे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज करे, लेना देना है ना, एक्सचेंज होती है, इसी को हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन में लिया, वेरी शॉर्ट आंसर में, तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, ऑन व्हाट बेसिस थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, किस पे क्लासिफाइड है, किसके क्लासिफाइड है, बेसिस ऑफ द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, मतलब इनका कहना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो क्लासिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल क्या, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही एंड मैटर टू एनवायरमेंट, है ना, तो इसी से हम लोग क्लासिफाई करते हैं हीट और मैटर टू एनवायरमेंट, इससे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को।
नेक्स्ट है व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसको कहते हैं भैया? तो प्रोसेस बाय विच टू आर मोर स्टेट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल होना चाहिए ऑफ द सिस्टम, कैन बी चेंज होना चाहिए, है ना? तो मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल होना, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट है डिफाइन द हीट, सिंपल क्वेश्चन, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड डिफरेंट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या बोल रहे हैं? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तो फॉर्म ऑफ द एनर्जी हीट, एक फॉर्म है एनर्जी का, दैट ट्रांसफर किससे होता है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है। तो सराउंडिंग टू, देखो अब मेरे बॉडी का टेम्परेचर समझो कम है, बाहर का ज्यादा है, तो मेरे अंदर आई मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, मैं हीट दे दूंगा सराउंडिंग को, ठीक है ना? तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा रहेगा वैसे वो हीट ट्रांसफर होगी। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बताना है? व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड द सिस्टम, सिस्टम में मैंने क्यू हीट एडेड की, सिस्टम डज नॉट एनी वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई वर्क भी नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब ये कहता है कि एक फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया ऐसा, ठीक है, जार लिया, इसमें रख दिया मैंने ऐसे एक पिस्टन से लिया, ठीक है, मैंने इसको दे दी हीट, हीट दे दी, दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं हीट दिए, तो ये पिस्टन ऊपर हुआ तो वर्क हो सकता है, क्योंकि भैया वर्क का फॉर्मूला बीवी हो रहा है नहीं, चेंज इन वैल्यू हो रहा है नहीं, आप कुछ नहीं हो रहा, तो ये हीट कहां जाएगी? तो इसकी गैस मॉलिक्यूल जो होंगे अंदर के, इसकी गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि भैया हम लोग लिखते हैं फार्मूले में अमाउंट ऑफ हीट दें तो टोटल इंटरनल एनर्जी और ये वर्क, यहां पे ये जो वर्क है भैया वो जीरो है, तो क्यू इज इक्वल टू यू, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं वो इंटरनल एनर्जी इस गैस मॉलिक्यूल की ओनली चेंज हो रही है, इसलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कितनी होगी, जितना क्यू होगा उतनी इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि यहां पे अगर पिस्टन हिलता ये पिस्टन ऊपर जाता है ना तो वॉल्यूम चेंज होता तो वर्क होता, लेकिन यहां पे वर्क नहीं हो रहा है, सीधा कहा देयर डू नॉट एनी वर्क इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, समझे? तो ये जितनी इंटरनल एनर्जी है, जितनी हीट दे रही उतनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बात समझ में आ रही? गैस मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी वो बढ़ रही। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन से टोटल। नेक्स्ट बच्चों लास्ट और फास्ट 12 ही सवाल थे, वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े वीडियोज भी बनाऊंगा, छोटे भी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना दे। चलो बात करते हैं व्हेन डज अ सिस्टम लॉस कर दी भैया एनर्जी सराउंडिंग, इंटरनल एनर्जी डिग्रीज हो गए, क्या बोल रहा है? लॉस एनर्जी की टू इट्स सराउंडिंग, मतलब दे दी इंटरनल एनर्जी डिग्रीज हो गई, अच्छी बात है। चलो क्या बोलने वाला हूं मैं, व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड नो हीट इज एडेड व्हाइल एक्सपेंडिंग, मतलब अच्छा समझ लो मेरे पास एक ऐसा हीट कोई देना ही नहीं है, मतलब क्यू इज इक्वल टू जीरो, मैंने कुछ नहीं दिया है, हीट दी क्या? नो हीट, मतलब हीट दी नहीं है, एडेड टू वाइल्ड, और लेकिन ये पिस्टन भैया यहां पे दी नहीं, मतलब ये निकलना ही गलत होगा फिर, है ना? तो ये पिस्टन गया ऊपर ऐसे कुछ, कितना गया? तो डेल एक्स इतना गया, यहां से यहां तक ऊपर गया, और मैंने कोई हीट दी नहीं है तो कहां से जा रहा भैया? क्योंकि इस गैस मॉलिक्यूल के पास कोई ना कुछ हीट थी, वो एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी बोलूंगा मैं, वो देने के कारण पिस्टन से ऊपर चला गया, तो इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कम होगी, सिंपल सा पढ़ना, देखो लिखा होगा मैंने, एक द सिस्टम लॉस द एनर्जी सराउंडिंग एंड इंटरनल एनर्जी डिग्रीज होगी भैया, क्योंकि समझ में आ रहा है? मैं कोई हीट ही प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, दिया क्वेश्चन है व्हाई डज द सिस्टम लॉस द एनर्जी, है ना, टू इट्स सराउंडिंग, इंटरनल एनर्जी डिग्रीज कब हो सकती है, क्या चांसेस है? तो एक ही चांस होगा, आपने हीट नहीं दी होगी, हीट ना देने से भी ये जो पिस्टन है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डीएक्स इतना जा रहा है, मतलब वर्क कर रहा है भैया, पी इंटू डीवी, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम कर रहा है, और मैंने हीट दी ही नहीं है, क्यों दिया ही नहीं है भैया, क्यों दिया, क्या नहीं दिया, वो जीरो है, तो क्यू इज इक्वल टू मेरे पास यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकता हूं, क्यू जीरो है तो U प्लस डी डब्ल्यू, मतलब भैया
यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू करूंगा, या इसको माइनस रखो। माइनस मतलब क्या, ये इंटरनल एनर्जी लॉस कर रहा है, ये इसका सिंबल है क्या। माइनस यू का मतलब इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही इसकी, समझ में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है स्टेट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ लिखना है बस, कुछ ही नहीं है। हम लोग जो लिखते हैं ना कि अमाउंट ऑफ हीट देगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क डन, बस इसको एक्सप्लेन करना है, खत्म। किसका फर्स्ट लॉ हो गया भैया। देखो व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट, देखो अमाउंट ऑफ हीट ये है, इज एडेड टू द सिस्टम, इस सिस्टम को दे दी मैंने, समझो यहां पे ऐसे लगा दिया कैंडल और हीट देना चालू किया। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल बढ़ेगी, एंड रिमेनिंग लॉस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, मतलब या कि ये क्या करेगा, थोड़ा सा पिस्टन से ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो हमारी एनर्जी कुछ लॉस होगी, तो ये वर्क डन के फॉर्म में होगी। बस इसको एक्सप्लेन किया मैंने, क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बस मैंने अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसके कारण थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब ये एनर्जी मेरी लॉस होगी, क्योंकि भैया वर्क होना मतलब एनर्जी लॉस होना है ना, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह देंगे। क्या कहेंगे, व्हेन द अमाउंट ऑफ है ना हीट इज एडेड टू द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड रिमेनिंग इज द लॉस इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ द सराउंड। नेक्स्ट भैया सिस्टम रिलीज द 100, अच्छा मतलब सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूं अभी, 100 किलो जूल इतनी एनर्जी दे रहा हूं, ऑफ द हीट 80 किलो जूल ऑफ द वर्क डन, मतलब भैया देखो अमाउंट ऑफ हीट है मेरे पास 100 किलो जूल, और यहां पे जो वर्क डन है भैया चेंज इन वर्क डन ये 80 किलो जूल है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है इंटरनल एनर्जी, तो Q इज इक्वल टू यू प्लस W लिख सकता हूं, ये मेरे पास 100 इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वर्क डन हो रहा है 80, तो यहां पे ये होगा 100, ये इधर जाने के बाद होगा 80 माइनस, तो ये होगा 20 किलो जूल, तो आपका आंसर 20 किलो जूल इतना आना चाहिए। तो ये थी वेरी शॉर्ट आंसर है एमसीक्यू, इसके बाद में 2 मार्क के सवाल आएंगे, इसमें ज्यादा ग्राफ ही होगा, 2 मार्क के लिए ग्राफ इस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ ही ज्यादा होते हैं। तो चलो बच्चों इसकी तैयारी करते रहेंगे, हम लोग आप हमेशा आपके साथ में रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, डिस्ट्रैक्ट मत होना, एग्जाम पोस्टपोन हुई तो इसका फायदा लेंगे और हमारा स्कोर बढ़ा देंगे। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।